close your eyes. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिट बीस्ट डेयरी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फैट बर्न की कार्डियो एक्सरसाइज आउटडोर के लिए, क्योंकि इंडोर के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपकी ये 10 मिनट की इंटेंस वर्कआउट रहेगा, जिसमें आपको स्ट्रेचिंग, रनिंग और कार्डियो एक्सरसाइज होगी, जिससे आपको फैट बर्न करने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो आपको मेन चीज़ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप अगर वर्कआउट करते रहेंगे और आप फास्ट फूड खाते रहेंगे तो आपका फैट लूज़ होगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो अब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो आपको अपनी डाइट पे और स्लीपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डाइट में आपको कार्ब्स कम करने पड़ेंगे, इतने कार्ब्स लीजिए जितनी आपको एनर्जी मिले, और आपको प्रोटीन इंटेक 1.5 से 2.0 तक इंक्रीज़ करना, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी बॉडी वेट से। कि जैसे आपका 60 kg वेट है तो इंटू 2 करेंगे तो आपका 120 ग्राम प्रोटीन आपको इंटेक डेली पूरा करना है, और आपको फैट भी लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। तो ये 6 वीक का वर्कआउट प्लान है, जिससे आपको ये बॉडी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ये वर्कआउट मैंने भी अप्लाई किया है, मैं भी पहले थोड़ा स्किनी था, फिर थोड़ा बल्कि करा, फिर उसके बाद मैंने कटिंग करी। आपको मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, ये फ़ोटो होगी मेरे ऊपर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वर्कआउट की तरफ। चलिए अब स्ट्रेचिंग करते हैं, और स्ट्रेचिंग के बाद करूँगा मैं रनिंग, जो वर्कआउट में नहीं आएगा, और जो रनिंग करूँगा स्ट्रेचिंग के बाद, फिर उसके बाद फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करूँगा, जो आपकी मसल्स को अच्छे से एक्टिव कर देगी, जो आपको वर्कआउट करने में बड़ा हेल्प करेगी और आपको इंजरी से बचाएगी। तो चलिए हम स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No, but then Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. ये हमने लेग्स की स्ट्रेचिंग कर ली है, और थोड़ी देर हम रनिंग करेंगे, 5 मिनट जॉगिंग करेंगे। तो चलिए जॉगिंग। Watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. हमने कर लिया 5 मिनट की रनिंग। रनिंग ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, फास्ट करिए, स्लो कर सकती है तो स्लो करिए। अगर आपको कोई डिसीज़ है, आपको सांस की प्रॉब्लम है, तो आप किसे मत करिए, क्योंकि आपको आगे प्रॉब्लम दे सकता है, और ज़्यादा इंटेंस है तो इसलिए मत करिए। आप अपने हिसाब से करिए, अपनी बॉडी के हिसाब से करिए। ये नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसलिए नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही उसी टाइम पर करें। तो चलिए अब करते हैं स्ट्रेचिंग। आपको मैं फुल बॉडी स्ट्रेचिंग बताता हूँ कैसे करते हैं, स्ट्रेचिंग माय बॉडी।
चलिए अब वार्म अप स्ट्रेचिंग दोनों चीज़ हो चुकी है, रनिंग और स्ट्रेचिंग। अब आपको कार्डियो की एक्सरसाइज बताता हूँ कि आपको 45 सेकेंड तक आपको ये करनी है नॉन स्टॉप। अगर आप 45 तक नहीं कर सकते तो 30 सेकेंड तक आप कर सकते हैं, या 45 सेकेंड तक करिए, या अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं आप इससे ज़्यादा भी करिए, कि 2 मिनट तक आप कर सकते हैं या 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर है कि आप कितना अपने आप को पुश कर सकते हैं। तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करिए जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो चलिए आज को मैं पहली एक्सरसाइज बताता हूँ कौन सी करनी है। पहली है बर्फी जंपिंग जो करनी है पहले। अगर आपके आपसे पूरी नहीं हो पाती, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आइए सेकंड लेवल है, आपको थर्ड लेवल भी बताता हूँ कि आपको इससे और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. ये थर्ड लेवल है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेवल कर सकते हैं इजीली, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको ये 45 सेकंड तक करनी है। अगर आप 45 सेकंड तक आप कर नहीं पाते तो आप 30 सेकंड तक कर सकते हैं, या फिर आप प्लेप लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 45 सेकंड तक ही करें। आप इसके स्टार्टिंग में 5-6 रैप नॉर्मली लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अगर अच्छे से हो पाए तो आप उसको रैप बढ़ा सकते हैं, 15 से 20 तक आप बढ़ा सकते हैं या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए अब आपको सेकंड एक्सरसाइज बताता हूँ। तो आपकी कार्डियो की सेकंड एक्सरसाइज है जंपिंग जैक, जो आपको 25 से 30 तक करनी है मिनिमम। आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 40-50 आप कर सकते हैं। और आपको इसके 2 सेट तो मारने, आपको हर एक्सरसाइज के 2 सेट मारने। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज है स्विचिंग लंजेस। तो चलिए स्विचिंग लंजेस करते हैं। But this feels they come and go and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you're breaking down my walls again just to set me free. फोर्थ एक्सरसाइज है स्क्वाट टेस्ट। तो चलिए वो करते हैं। तो ये कार्डियो की फिफ्थ एक्सरसाइज है। तो चलिए Just turn around and leave me. That's you. तो इसके बाद दो एक्सरसाइज हम एफ की करेंगे। Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk. तो गाइस ये हमारी वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इस वीडियो में ज़्यादा रैप नहीं मारे। आपको लग रहा हो कि मैंने ज़्यादा रैप क्यों नहीं मारे। मैंने ज़्यादा रैप इसलिए नहीं मारे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो और आपको ये बोरिंग लगे। तो इसलिए मैंने कम रैप मारे, फॉर्मेशन से मारे कि आपको एक्सरसाइज का फॉर्मेशन पता चले, ना कि
आपको ज्यादा रैप के चक्कर में गलत फॉर्मेशन से मारने लग जाऊं तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने फॉर्मेशन से मारे हैं, कम रैप मारे हैं, ताकि आपको फॉर्मेशन का पता चले और अच्छे से आप इस फॉर्मेशन से कर सकें एक्सरसाइज और आपके कम इंजरी हो। तो मैं यही चाहूंगा कि आपके कम इंजरी हो, और मेन बात यह है कि आपको अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका वर्कआउट करना सारा वेस्ट है, आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो सब वेस्ट है, इससे आपका फैट लूज नहीं होगा। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी डाइट पर भी ज़्यादा ध्यान दें, ना कि वर्कआउट पर ज़्यादा ध्यान दें। वर्कआउट भी है पर डाइट मेन चीज़ है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं हम खत्म। अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फिट बीस्ट जेरी।